गाइस, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द आयुष ओरिगामी। और आज मैं सिखाने वाला हूँ हाउ टू मेक अ ओरिगामी पिरामिड विदाउट ग्लू। तो उसके लिए हम ये वाला पेज यूज़ करेंगे 15x15 का। तो हम उसमें से अभी एक कलर निकालते हैं, आप कोई भी कलर निकाल सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, जस्ट फोल्ड इट इनटू हाफ। और गाइस, इस वाले मॉडल में क्रीज ही सब कुछ है, क्रीज एकदम टाइटली करना ताकि लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसको रिवर्स फोल्ड करूँगा ताकि इसका जो क्रीज है वो एकदम अच्छा दिखे। ओके, आप देख सकते हैं मैंने पहली क्रीज कर दी, तो कलर भी निकला है। बाद में सेकेंड फोल्ड भी सेम ही फोल्ड, हाफ फोल्ड। हाफ फोल्ड करने का उसको ऐसे वापस रिवर्स फोल्ड कर दीजिए। ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस पॉइंट ओवर हियर। उसको इसी लाइन के बराबरी पे ले जाइए और यहाँ पे पूरा परफेक्ट पॉइंट होना चाहिए, लाइक दिस। ऐसे परफेक्ट पॉइंट होना चाहिए। और खाली इस लाइन तक ही दबाना, जो ये लाइन दिख रही होगी, एक मिनट, ये लाइन जो यहाँ पे है वो दिख रही होगी, उससे बनाना, यहाँ आगे मत जाना, खाली यहाँ तक ही बनाना। बाद में इसको ऐसे करके इस वाले पॉइंट को यहाँ लाना, लाइक दिस। ये देखिए, इस पॉइंट पर यहाँ तक लाना है, फिर बाद में अंदर फोल्ड करना और बाद में पूरा फोल्ड कर देना ऐसे। पॉइंट अच्छा होना चाहिए, फिर यहाँ पे अच्छे से क्रीज कर देना। अच्छी क्रीज हो जाए फिर ओपन करना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा लाइन बन चुका है, अगर आपको दिखना रहा हो तो। ये देखिए, एक लाइन बन चुकी है, देखिए वाइट पीछे वाइट पर दिखिए, ये लाइन बन चुकी है। अब ये ही हमें सारे साइड्स बनाना है, चिंता मत कीजिए, मैं टाइम लैप्स पे नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही दिखा दूँगा। ओके, सो अब ये है, ये मिल गया। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको इससे ही करना है तो कॉर्नर तो मिल ही जाएगा, इस पर ही आपको ऐसे करना है ताकि वो कॉर्नर ऐसे क्लीनली फोल्ड हो, और यहाँ तक ही फोल्ड करना है मुझे ये वाला फोल्ड। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ओके, एक और फोल्ड बन गया। अब एक और ही फोल्ड, यहाँ भी एक और फोल्ड बनाना है पॉइंट के साथ। बस यहाँ पे एक खरा चीज़ डिफरेंट होगी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जब आप ये पॉइंट जब ऐसे कर देंगे तो आपको इधर दिखेगा कि इधर भी एक अजीब लाइन है जो पिछले वाले पॉइंट की है, जब मैंने यहाँ बनाया था, तो उसको भी अंदर दबा दीजिए ऐसे, अंदर जस्ट प्रेस इट, नॉट टाइटली, ऐसे ही प्रेस कर दीजिए और अंदर हो सके तो ये शेप, ऐसा शेप आएगा, ऐसा ही दबा दीजिए। और जब भी दोनों साइड ऐसा आए तब ऐसा ही करना है ताकि दोनों साथ में क्रीज हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही करना है, नहीं यार। और गाइस, अगर आपको इस कलर पेपर में नहीं दिख रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ताकि मैं वाइट पेज यूज़ करूँ तो आपको आसान से क्रीजेस भी दिखे। ये देखिए ऑटोमेटिकली बन गया, मैंने किया नहीं था, बन गया था। बाद में ये दिख रहा है आपको ऐसे, ठीक है। अब ऐसे हर जगह से लाइन आएगी, उसको थोड़ा अंदर प्रेस करना और पीछे मुड़ाना। पीछे मुड़ाने के बाद इधर हमें एक लाइन बनानी है, इधर एक लाइन बनानी है प्रेस ताकि ये स्क्वायर बन जाए ऐसे, लाइक दिस। देखिए क्रीज हो चुका ऐसे, और ऐसी ही लाइन इधर भी बनाइए, सिर्फ फोर को चारों कॉर्नर पे ऐसी ही लाइन बनाइए। इधर भी ऐसी ही लाइन बनाइए,
इधर भी ऐसे ही लाइन बनाइए। आप स्केल का इस्तेमाल करके भी लाइन बना सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर बन चुका है, बाद में ये देखिए स्क्वायर बन गया बीच में। अब सबको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। और नाउ इट्स अ ट्रिकी पार्ट, प्रेस योर फिंगर हियर 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 एंड हियर सो दैट ये एक राउंड रोटेशन में जाएंगे अंदर, ऐसे आ जाएंगे फोल्ड में। और ये हमारा नीचे का पार्ट ऐसे फोल्ड में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे क्रीज कर देना ताकि खोले ना, और इधर भी थोड़ा क्रीज कर देना, नॉट वेरी टाइट ऐसे। और बाद में आप इसको ऐसे करके खेल भी सकते हो, वो इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भी हो सकता है। सो गाइज दिस इज अ पिरामिड विदाउट ग्लू दिस। ये तो मैंने ऐसे ही पेजेस बनाया था जो मेरे पास पड़ा हुआ था। इससे मत बना क्योंकि बस इसमें गंदी क्वालिटी होती है, ये वाइट हो जाता है क्रीजेस तो थोड़ा गंदा लगता है। तो ये मैंने ऐसे ही बनाया था, और ये वाला मैंने कलर पेपर से बनाया विदाउट ग्लू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल द आयुष ओरिगैमी, और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट ओरिगैमी कौन सी चाहिए। ओके बाय।